बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो, सिटी कैंपस भलवाल। इट्स साइंस ग्रेड 4, चैप्टर नेम आर फूड एंड इट्स लेक्चर नंबर 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी? यस, हमने बात की थी फूड के मुतल्लिक। जी, हमने बताया था कि फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है और उस एनर्जी की वजह से हम मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और उसके साथ मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? यस, ओके, फेवरेट फूड कौन सा है? जी, डिफरेंट बच्चों का जो फेवरेट फूड है वो मुख्तलिफ है। मसलन कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं कि उन्हें एग्स बहुत पसंद है। ओके, कुछ बच्चे जो हैं वो क्या बता रहे हैं जी? ब्रेड। ओके, कुछ बच्चों को पराठा बहुत पसंद है। गुड, कुछ बच्चे फ्रूट्स बहुत शौक से खाते हैं। गुड जी, और कुछ बच्चों को चिकन भी बहुत पसंद है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि जो भी खुराक हम खाते हैं इसमें मुख्तलिफ अज्जा होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो लेक्चर है ये हमारी बॉडी के हेल्दी होने के हवाले से है कि कौन कौन सा फूड हमें हेल्दी बनाता है। तो जो फूड होता है उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं और वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। आपको पता है उन यूजफुल सब्सटेंसेस को क्या कहा जाएगा? यस, न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा। दैट्स वेरी गुड। तो आज का जो लेक्चर है ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में है। यू कैन डिफाइन न्यूट्रिएंट्स दैट फूड कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच आर यूजफुल टू आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स आर वेरी नेसेसरी, ये बहुत जरूरी हैं। किसके लिए? हमारे लिए, फॉर लाइफ, जिंदा रहने के लिए एंड ग्रोथ, और हमें ग्रोथ करने के लिए मतलब बड़े होने के लिए बहुत जरूरी हैं। वेरी गुड। तो कौन कौन सी चीजें न्यूट्रिएंट्स में शुमार होंगी? यस, ओके, मुझे आवाज आ रही है। नंबर 1, पी इज फॉर प्रोटीन। हम प्रोटीन जो है उसको न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। वेरी गुड। नंबर 2 पे? यस, वेरी गुड। सी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। स्पेल बहुत अच्छे तरीके से लिखने आपने, कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी गुड। और नंबर 3 पे? यस, वेरी गुड, इट्स फैट्स, FATS, फैट्स। और नंबर 4 पे मुझे बताएं जी? यस, विटामिन्स, VITAMINS, विटामिन्स। और नंबर 5 पे? इट्स मिनरल्स। बहुत अच्छे जी, मिनरल्स होगा। और नंबर 6 पे हम, यस, क्या होगा? इट्स वाटर और साथ में रफेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, वाओ, आपने आज न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, दैट फूड कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच आर यूजफुल एंड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो क्या ख्याल है,
जल्दी से न्यूट्रिएंट्स को आप कितने हैं? 6. नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स, नंबर 4 विटामिन्स, नंबर 5 मिनरल्स एंड नंबर 6 वाटर एंड रफेज. दैट्स वेरी गुड. Dear students, now we are moving towards our book reading. It's page number 1, unit 1, chapter number 1, our food. और अगर आप इसको निकाल लें तो आप देखेंगे कि टॉप पे our food लिखा होगा और हमने जो स्टार्ट करना है वो करना है न्यूट्रिएंट से. Yes, from here. तो स्टार्ट करें. Food contains डिफरेंट सब्सटेंसेस. फूड में मुख्तलिफ किस्म के अज्जा होते हैं विच आर यूजफुल टू योर बॉडी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है. दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. डेफिनेशन होगी न्यूट्रिएंट्स की. दीज न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी हैं फॉर लाइफ एंड ग्रोथ, जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए. फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, carbohydrates, vitamins and minerals. It also contains water and roughage. Now look at the picture. Very good. Okay, it's a child जो कि एक balanced food, बहुत healthy food खा रहा है. आप देख सकते हैं water भी है, egg भी है और साथ में fruits भी मौजूद हैं. और नीचे we need food to live and grow. Very good. Dear students, that was the book reading. Now we are moving toward our homework. That's very good. Dear students, what we have to write at the top, you have to maintain the day, then date, click on homework. Our topic is our food. Okay, it's the topic. Now we have to write the question. And what is the question? What are nutrients? Question mark. What are nutrients? So yes, मुझे answer बताएं जी. Good. Different substances in food which are useful to our body for life and growth are called nutrients. Good. You have to maintain like this. मैं इसको repeat कर देता हूँ. Different substances in food which are useful to our body for life and growth are called nutrients. Very good, dear students. उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा. अब आपने अपने घर में किसी को भी ये शेयर करना है और बताना है कि आज का लेक्चर मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ गया है और मैं इसको अपने अल्फाज में एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, डेट वॉज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.